इस समय दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन केजरीवाल की नई आबकारी नीति को लेकर है। नई शराब नीति को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इस वक्त नेशनल हाईवे 24 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग इस जाम में फंस गए। बीजेपी के इस प्रदर्शन में सांसद और विधायक तक शामिल है। कुल 15 जगहों पर चक्का जाम किया जा रहा है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के नई शराब नीति का विरोध कर रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, जो लोग इस चक्का जाम का शिकार हो गए। बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता सभी इस शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने एक चक्का जाम का भी आयोजन किया। दिल्ली के कुल 15 जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिसमें से नेशनल हाईवे 24 की स्थिति सबसे खराब, जहां पर बहुत लंबा जाम लग गया और लोगों को इस जाम से दो चार होना पड़ा। हमला केजरीवाल सरकार पर था, लेकिन भुगतना पड़ा आम लोगों को। तो फिर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको नई शराब नीति के बारे में बताते हैं। 21 की उम्र तक पीने की छूट, 24 घंटे शराब की बिक्री अब दिल्ली में होगी। इतना ही नहीं, 500 वर्ग फीट में दुकानें खोली जा सकती हैं। काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा, बस इतनी रियायत है। शराब की होम डिलीवरी और साथ ही साथ शराब की सभी दुकानें प्राइवेटाइज करने की भी बात कर दी गई है। यानी अब दिल्ली में 24 घंटे शराब बेची जा सकेंगी, कहीं भी ये शराब बिक सकती हैं। बस इनका जो गेट है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। आपको ध्यान होगा, जिस वक्त कोरोना का संकट मंडरा रहा था दिल्ली पर भी, उस वक्त भी शराब की दुकानें खोली गई थी दिल्ली में। इधर प्रदर्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी का शराब माफियाओं के साथ गठजोड़ है, इसलिए नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।